श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान थिसारा परेरा ने बुधवार को आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने शानदार बल्लेबाजी की बदौलत श्रीलंका को 393 रनों का लक्ष्य दिया है। रोहित शर्मा ने तीसरा दोहरा शतक जमाते हुए भारत के लिए बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। भारत ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 392 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 153 गेंदों पर 13 चौके और 12 छक्के लगाते हुए 208 रन बनाए। धवन ने 67 गेंदों पर 68 और लॉयर ने 70 गेंदों में 88, धोनी ने 5 गेंदों पर 7 रन, पांड्या 5 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले श्रीलंका ने धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर 3 वनडे मैचों की सीरीज में बढ़त ले ली। भारतीय टीम में चोटिल केदार जाधव के स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। 18 वर्षीय सुंदर इस मैच से वनडे क्रिकेट में पदार्पण करने जा रहे हैं।